So hey guys, welcome back with a new challenge video. तो आ चुके हैं एक और नई challenge video के साथ. तो इसका title है Spell Bee Challenge. तो इस पर्चियों में मैंने लिखे हुए हैं 8 ऐसे spellings जिनको इन्हें pronounce करना है और उनकी spelling बतानी है क्या होगी. तो pronunciation भी अगर सही कर दी तो तुम जीत जाओगे. स्पेलिंग तो चलो ये बता दो ना बता दो वैसी चीज. लेकिन 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 3 राउंड में जो सबसे ज्यादा हारेगा तो उसको खाना पड़ेगा जिंजर गार्लिक पेस्ट. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को. तो आज के हमारे पार्टिसिपेंट्स है साहिल और ईशा. तो लेट्स गो. तो गाइस अब शुरू करते हैं राउंड 1. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ. जैसे ईशा ने चुनी ये पर्ची और साहिल ने चुनी ये पर्ची, तो इनकी पर्चियां इन्हें नहीं मिलेंगी. मैं बताऊंगा इनकी पर्ची पे क्या लिखा है, मतलब एक बार दिखाऊंगा और फिर इन्हें प्रनाउंस करके बताना है कि वो क्या है. उसके बाद उसकी स्पेलिंग बतानी, ठीक है? मतलब मैंने तुम्हें दिखा दिया, बस पढ़ लिया तुमने. हाँ, अरे पढ़ लिया कि हाँ क्या लिखा है. ऐसे नहीं कि एक घंटा दे दिया ऐसे नहीं, ठीक है? बस एक नजर वाली चीज. तो भैया अपनी पर्चियां चुन लो, ले लो. हाँ भाई, तो ये पर्ची मैं ले लेता हूँ. तो ईशा पहले आप अपनी पर्ची खोलो. चलो जी क्या लिखा है. क्या बात है भाई लड़की, मतलब क्या लो सरकारी स्कूल वालों में भी दिमाग होता है. प्राइवेट होती सरकारी नहीं थी. होता होता गाइस होता है. क्यों बताऊं? तो अब देखते हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले कितने पानी में है ये. नाम का प्राइवेट. चलो भाई ऐसे मत बोल, एक ही स्कूल में. चलो जी क्या लिखा है. मैंने तो अभी पढ़ाई नहीं था यार. भाई तू पर्ची खुली थी पढ़ लिया. अच्छा डेफिब्रिलेटर डी एफ आई बी आर आई LLATOR. क्या बात है भाई, प्राइवेट वालों की भी लाज रख ली. वो होता है ना कि एक वाइब्रेटर और ब्रेटर उसको ज्यादा नॉलेज है. साहिल को पता रहती है ऐसी चीजें. क्या बात, मतलब सही स्कूल में पढ़े हैं, अच्छी फीस गई है हमारी. क्या हो गया, केंद्रीय विद्यालय वाले आ गए. भाई दोनों ने ही सही बता दिया है. तो क्या बात है, तो कैसे भाई पता है ना क्या खाना. नजरें ऐसे मार रहे हो, स्कैन मार रहे हैं. वही बात नहीं, चलते हैं हम फटाफट सेकंड राउंड की तरफ और देखते हैं कि कौन गलत. कोई तो गलत बता दो यार. बता यार गलत. ठीक है मैं बताऊंगा. चलो देखते हैं अगले राउंड में कौन कितने पानी में. तो गाइस आ चुके हैं सेकंड राउंड पे. तो कुछ अच्छा नाम लिखना चाहिए था, मैंने हल्के हल्के लिख दिए हैं. पहले भी बता फोटोसिंथेसिस मतलब भी बता सकते वो जो मैं बताऊं जो वो फोटो खींचते हमारी नहीं, जो पेड़ होता है ना उसको सनलाइट मिलती है उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस. नहीं यस फोटो खींचने का प्रोसेस होता है. रहन देना तू, मत बोल यार. चलो अभी लाज रखी थी फिर बेइज्जती करा. लो पर्ची अगेनो कह रहा हूँ, निकालो. मैंने वाइब्रेटर उसमें आया था वो कैसे लिया तू. चलो तो साहिल भाई लेडीज फर्स्ट, तो खोल दो पर्ची. चलो देख ली. चलो क्या लिखा है. प्रोनंसिएशन स्पेलिंग पी आर ओ एन यू एन एस ए. गलत हक दिया भाई, हक दिया. वेरी चिरक दिया गाइस, पिचकारी छूट गई. सही बोला था, गलत बताऊंगा बता दिया. नहीं तूने जान के नहीं, तुझे वैसे भी नहीं पता, ऐसे लगा दिया. तो ये स्पेलिंग थी पी आर ओ एन यू एन सी आई ए टी आई ओ एन. तो देखते हैं अगर ईशा ने भी गलत बताया तो बच जाएगा, वरना पैकेट रखो जिंजर गार्लिक का. पेटीएम कर दूंगा. पेटीएम 5 रुपए से उसका क्या होगा. कोई नहीं 50 ले लेना. चलो जी माइट्रोकॉन्ड्रिया. तो स्पेलिंग ये तो है नहीं. क्या सी आर आई ए सी आर शुरू से सुना दो. एम आई टी आर ओ सी ओ एन डी आर आई ए. क्या बात भाई,
मतलब पूरी फीस वसूली थी सरकारी की है, चावल पुरानी है गाइस। तो सेकंड राउंड भी जीत चुकी है यहाँ पर ईशा, पढ़ी लिखी काफी है यार, सैलरी मोटी उठा रही भाई, कोई दिक्कत नहीं मुझे दे दिया गया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर, क्या हो गया 10 लाख ही तो उठा रही महीने का। चलो गाइस चलते हैं थर्ड राउंड की तरफ और देखते हैं कौन कितने पानी में। एक राउंड हार चुके हो फिलहाल, एक जीत जाए ना तो बराबर हो जाओगे। पता नहीं जीतू मैं नहीं भाई, एक एक ये जीती है, दो जीत गई ना तुम, हाँ तो अभी तू बचा पड़ा क्योंकि एक तू जीता हुआ। कोई बात नहीं, तो लेट्स गो फॉर थर्ड राउंड। गाइस अब आ चुके हैं थर्ड राउंड पे और बची हैं 4 पर्चियां जिनमें से एक एक ही इनको उठानी है, एक एक एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि सुपर राउंड के लिए। भाई चलो जेंट्स फर्स्ट कर लेते हैं आज। चलो जी खोल दो बल्ला जी। क्या देख रहा है, ले देख ले। What is that? What's that? What's that, bro? चल ले एक बार और देख। रटली? नहीं। रटली क्या? चलो बताओ। 2 सेकंड में क्या रट सकते हो? साइन। It's nephrology. Nephrology spelling. N-E-P-H-O. गलत। N-E-P-H-O. गलत। Nephrology. H-R-O. Nephro. धन्यवाद। नहीं मिला, मिले मैं मिला, गंदी हो गई। चल भाई चलो जी बताओ। साइकोलॉजी। अपनी बात क्यों कर रहा है। चल स्पेलिंग। पी एस ओ। गलत। दो राउंड तुम जीते हो, एक ये जीता है तो तुम जीत जाते हो, 3 राउंड हो गए ना। तो यहाँ पर खानी पड़ेगी साहिल भाई को जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेकिन 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 हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा ना फेयर रखेंगे, हम करेंगे एक सुपर राउंड क्योंकि हारे तुम भी हो, हारे ये भी है, तो इन पर्चियों का भी चलते हैं। तो लेट्स गो फॉर सुपर राउंड और देखते हैं कौन जीतेगा। 2 बार तू हार चुका है और 1 बार तुम हार चुके हो, उसको जीतना है और मुझे हारना है। मतलब मैं अगर तुम जीत जाते हो तो बच जाओगे, अगर हार जाते हो और ये भी हार जाता तो दोनों को खाना पड़ेगा। क्यों क्यों? मैं दो तो जीती हुई हूं। तो एक अगर वो दूसरा जीत गया तो टाई होता, फिर हम दोनों खाएंगे। चलो हाँ चलो ऐसा कर ले, जीतना अगर साहिल जीत गया तो फिर ये दोनों खाएंगे, नहीं जीता तो फिर सिर्फ साहिल खाएगा पूरा पैकेट, ठीक है भाई। एक स्पून एनफ है यार। चलो चलते सुपर राउंड की तरफ। सो गाइस अब लेकर आ गए हैं लास्ट और लास्ट पर्चियां, मैंने सोचा बनाई है तो वसूली लेता हूँ, मजा तो आ रहा है मुझे होस्ट करने में। तो ये लो मैं दूंगा, मैं देता हूँ, लो लो। अरे ले तो लो यार, मैं तो करते ही रहूंगा। खोल दो साहिल भाई। चलो बताओ क्या है। मैग्नेट गिज्म भाई वो वर्ड क्या है? मैग्नीशियम। तो यहाँ तो लग ही नहीं रहा, ये देखो ना जी पहले आ रहा है, अरे 2 बार जी आ रहा है ना। मैग मैग्नीशियम, ये तो वर्ड ही अलग लग रहा है भाई, मैं खुद कंफ्यूज। अच्छा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है ना, तूने क्या बोला? जी तो आ गया, मैंने मैग्नीगिज्म बोला भाई, तो जी तो आ ही रहा उसमें मेरे बोलने में। क्या इसको प्रोनाउंस बताओ, मेरी पर्ची नहीं है। बताओ भाई वर्ड वो देखो यार, तुम पढ़ो। मेरी पर्ची नहीं है ऐसा तो कुछ नहीं लिखा भाई, देखो यार। चल स्पेलिंग सुना दे। MAGNAGA। गलत, देख कर भी गलत बता दी गाइस। जी बोला तो जी जी एक आए आई है, अंधेरे में दिखाऊं कैसे दिखाऊं, तो भाई हार गए जी तो दो है, वैसे खिला दूं तुम पर्ची ना ही पढ़ो। चलो खोल दो पर्ची, खोलो यार पर्ची खोलो, कोई बात नहीं। क्या था? चलो चलो कॉन्फ़िगरेशन स्पेलिंग नहीं आती। चलो जल्दी सी आ ओ एन एफ हाँ आई आई G-U-R-A-T-I-O-N। ओ भाई यार सरकारी स्कूल में चावल होते हैं।
क्या बात, सरकारी स्कूल की नहीं हुआ, प्राइवेट की है भाई, अब तक क्यों नहीं पढ़ी नहीं है इन्हें तो डिस्टिंक्शन नहीं पता, फटाफट मंगवाते हैं सजा के हिसाब से, दे दो भाई एक पैकेट भेज दो मुंह पे, बहुत ज्यादा भाई। भाई यहाँ पे हमने मंगा लिया है, बढ़िया वाला मंगाया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, तुझे खिलाना है, एक चम्मच बहुत है यार, एक चम्मच नहीं, वो जितना स्क्वीज करेगी खाना पड़ेगा भाई। हाँ भाई ये तो कर दिया भाई काम, साहिल कह रहा है अभी इन्हें इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिलवाता, सच में मैंने तो ऐसे ही खा के, तो भाई साहिल भाई हार चुके, मुझे लगा था जीत जाएगा लेकिन वही मैग्नीशियम ही कर दिया ने। चलो मैग्नेट गलत चिपक गई, ओ भाई खतरनाक खुशबू आ रही है। अबे खिलाना मेरे को, मेरी मेरी पप्पी लेगा क्या साहिल, तेरे मुंह से आ रही है मुझे। अबे कुरकुरे की आ रही होगी, बस 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 बस। खा लिया बहुत भाई, खाना भाई बहुत गंदा है, आओ दो भाई, खाना तो है ही घर पे, तो खाता ही है। अरे खाना, इतनी तो ओवर एक्टिंग कर रहा है, लड़की है क्या, 50 रुपए काट लेना। करो भाई, देने ही नहीं, 50 भी नहीं देने भाई। इसकी खुशबू वैसे खाने में बड़ी सही लगती है, रोना निकलवा दिया भाई। तो गाइस काफी है भाई, रहने दे भाई, रहने दे, तुझे देख के सिंपैथी तो नहीं आ रही लेकिन ऐसी आ रही है, कोई बात नहीं। तो ये था आज का चैलेंज, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज। खाओगी थोड़ा सा? खा लो थोड़ा सा, एक तो हारे देना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज वीडियो में, लव यू ऑल, बाय बाय।